का चैनल गाइस आप वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ होंडा सिविक, जो कि 2006 मॉडल की गाड़ी है। तो अगर 2020 के अकॉर्डिंग देखते हो तो इसको ऑलमोस्ट 14 साल हो चुके हैं, और 14 साल के बाद ये गाड़ी किस कंडीशन में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो जिन भाई की गाड़ी है वो थोड़ा सा मेरे को कह रहे थे कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप जो है पूरी गाड़ी को पूरी अच्छी तरीके से दिखाओ, तो आप लोगों को गाड़ी में नंबर प्लेट देखने को नहीं मिलेगी। भाई ने जो है इसको उतार दिया था, और सही है भाई, जैसा आप लोगों की चॉइस रहे फीचर माय कार में, हम लोग जो आप लोगों को पूरा ये जो है ऑप्शन देते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाना चाहूँगा होंडा सिविक के बारे में। अगर आप लोग बात करते हो 2006 में जिस टाइम पे गाड़ी लॉन्च हुई थी, ये अपने आप में एक बहुत ख़तरनाक वाली रेवोल्यूशन लेके आई थी। इस गाड़ी की जो स्पेशलिटी थी वो इसकी थी ग्राउंड क्लियरेंस, इसका लुक और इसकी जो हेडलाइट्स का पूरा एक ओवरलुक था, बहुत ज़बरदस्त से देखने में लगती थी। इसी के साथ में अगर आप लोगों को याद होगा होंडा सिटी ZX भी आई थी, जिसका मतलब और इसका कंपटीशन काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन होंडा सिविक वन ऑफ द जो प्रीमियम कार्स होता था उसमें उसको गिना जाता था। आज के टाइम पे अगर बात करते हैं तो आज के टाइम पे जो नई होंडा सिविक आई है, अगेन मैं भी उससे अमेज हुआ था कि भाई पुरानी जनरेशन के बाद जो नया फेस निकाला है उसमें भी काफ़ी अच्छा जो लुक है वो देखने को मिलेगा। अगर आप लोग 14 साल पुरानी लाइट के बारे में बात करोगे, उसके अकॉर्डिंग गाड़ी के जो रिफ्लेक्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा साफ है, यानी कि सफ़ेद है, इसके अंदर पीलापन नहीं आया है। नीचे की तरफ अगर आप लोग बात करोगे फॉग लाइट का कोई भी जो है इसमें चीज़ लगाया नहीं गया, इसमें ऑल्दो एक स्लॉट दिया जाता था, बड़ी ज़बरदस्त लगती थी। इवन अगर आप लोग केरला साइड जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी मॉडिफाइड सिविक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। बीच के ग्रिल के बारे में बात करोगे, क्रोम ग्रिल आप लोगों को गाड़ी में मिलती है। एक अगर आप लोग ओवरलुक, जो कि मेरे को गाड़ी के ओनर से मिला, उन्होंने बताया कि उन्होंने गाड़ी को कहीं से भी पेंट नहीं कराया, केवल जो पीछे का बम्पर था उसका काम कराया था। अगर आप लोग बात करोगे गाड़ी के साइड प्रोफाइलिंग के बारे में, अगेन इस गाड़ी को आज के टाइम पर भी केरला के बहुत सारे बंदे हैं जो कि मॉडिफाई अच्छा बनाने के लिए जो है वो तैयारी करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसकी बहुत अमेजिंग बॉडी किट आती है, जिसमें ये गाड़ी में आगे साइड में पीछे पूरा बॉडी किट लग जाता है, देखने बहुत अच्छा लगता है। जब मेरी केरला वाली ट्रिप होगी तब मैं आप लोगों के साथ जरूर जो वीडियो है वो शेयर करने वाला हूँ। इसी के साथ में हम लोग आ जाते हैं गाड़ी के पीछे की प्रोफाइलिंग की तरफ में। तो पीछे की प्रोफाइलिंग में अगर आप लोग बात करोगे तो भाई गाड़ी बहुत ओके रिपोर्ट जो है वो देखने को मिलती है। अगर आप लाइटिंग के बारे में बात करोगे, अगेन इस लाइट के भी बहुत सारे दीवाने थे 2006 में जब ये गाड़ी आई थी। आप लोगों को याद होगा इसका जो लाइट का लुक था वो बहुत अच्छा था। अब के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने इसको मॉडिफाई भी किया, लेकिन स्टिल इट रिमेन्स द बेस्ट। और अगर आप लोग इसके की के बारे में बात करोगे तो आप लोग एक बार की चेकआउट कर लो, लॉक अनलॉक का आप लोगों को ऑप्शन मिलता है। गाड़ी के अंदर भी आप लोगों को ले जाकर दिखाऊंगा। भाई ने मेरे को बताया था कि बम्पर को पीछे से हल्का फुल्का पेंट कराया था, एंड अगेन ये बिल्कुल स्टॉक कंडीशन में, इसमें कुछ भी रीपेंटिंग नहीं कराया गया है। 14 साल से उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के हाथों में भी गाड़ी गई है, मतलब घर पर जो था परिवार में लोग गाड़ी चलाते थे, एंड मेरे को बहुत पर्सनल लेवल में अच्छी लगी। मैं आप लोगों को इस गाड़ी को चला के भी दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ में। अगर आप लोग बात करोगे, ठीक है, तो अंदर से आप लोग देख लो, आप लोगों को थोड़ा सा इंटीरियर जो है वो अभी साफ नहीं देखने को मिला, क्योंकि 14 साल पुरानी गाड़ी है। भाई ने बोला कि हमने किसी भी चीज़ के साथ छेड़खानी नहीं कराई है। और एक बार अगर आप लोग इंटीरियर का ओवरलुक देखना चाहते हो तो इंटीरियर का भी ओवरलुक देखना ज़रूर बनता है, ठीक है भाई। तो पूरा एक रिस्पांस वाइज बहुत अच्छा। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को एकॉर्ड दिखाई थी एक बारी, तो कहीं ना कहीं अंदर बैठने के टाइम पे मेरे को जो है एकॉर्ड की हल्की सी याद आती है। तो आप लोगों ने यहाँ पर एक बार देख लो, ये है आप लोगों के पूरे साइड पैनल वाले, जिसमें आपके साइड मिरर फोल्डेबल, आप लोगों के पावर विंडो सब ऑप्शन थे। तो आई एम सुपर एक्साइटेड कि एक बार गाड़ी के अंदर बैठा जाए, ठीक है भाई। तो भाई गाड़ी के अंदर बैठ के फील जो है बड़ी प्रीमियम है। सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा, गाड़ी को ऑन करूँगा। ज़बरदस्त भाई। तो हमारी गाड़ी जो है वो हो चुकी है ऑन। तो अभी आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि भाई अभी मैंने जो है सीट बेल्ट जो है वो उतार रखी है। आप लोग अगर देखना चाहो तो एक बार इधर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ये है आप लोगों का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। इस गाड़ी के अंदर सबसे प्रीमियम चीज़ क्या थी, इसके अंदर जो था इन डैशबोर्ड ही आप लोगों को दोनों जो है इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर का लुक देखने को मिलता था, ठीक है। अभी जितनी भी धूप हो रही थी लेकिन स्टिल आप लोग देख सकते हो। और इस डिज़ाइनिंग के पीछे भी बहुत क्लेवर चीज़ आप लोग कह सकते हो, जब आप लोग इस गाड़ी को बिल्कुल फ्रीली आप लोग पीछे बैठ के इस गाड़ी को चलाओगे तो आप लोगों को अगर इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर वाला पूरा लुक ये नहीं दिखता, तो आप लोगों का जो डिजिटल पूरा क्लस्टर है वो आप लोगों को बहुत इजीली दिखता था। उसमें भी आप लोगों को फ्यूल के बारे में पूरी चीजें जो है वो पता चल जाती है। इस गाड़ी के अंदर आपको माउंटेड बटन्स नहीं मिलते हैं। जहां तक आप बात करोगे स्टीरियो और उन सब के बारे में, तो सबसे पहले मैं एसी चला रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी, अगर थोड़ी सी आवाज आए तो प्लीज समझ लेना। डैशबोर्ड की अगर आप बात करोगे बहुत जबरदस्त मेंटेन किया, मैं एक भी स्क्रैच इसमें नहीं देख सकता हूं। और अगर आप लोग बात करोगे सॉफ्ट टच के बारे में, तो आप लोगों को इस तरफ में हार्ड प्लास्टिक मिलता है, इस तरफ में सॉफ्ट प्लास्टिक है,
और इधर भी आप लोगों को प्लास्टिक वाला पूरा फिनिशिंग मिलता है। लेकिन मतलब कहते थे ना कि अपने टाइम की सबसे जबरदस्त गाड़ी थी, बहुत लोगों की ये वन ऑफ द फेवरेट होती थी, सपने वाली गाड़ी होती थी कि भाई मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए। और अगर इसके आप स्टेयरिंग की प्रोफाइलिंग के बारे में बात करोगे, सेम होंडा एकॉर्ड अगर आप उसकी तरफ देखोगे तो आप लोगों को होंडा एकॉर्ड और इसमें जो है बिल्कुल सिमिलरिटी और देखने में बहुत सारी चीजें जो है वो कॉमन लगेगी। हॉर्न बजा के आपको सुना देता हूँ, ठीक है भाई? तो हॉर्न की आवाज आप लोगों ने सुन लिया। जहां तक आप बात करोगे अपने सेंटर कंसोल के बारे में, तो सेंटर कंसोल में आप लोगों को कॉम्पैक्ट जो डिस्क डालने वाला ऑप्शन होता था वो यहां पर मिलता है। इसी के साथ में ये आप लोगों का पूरा मोस्ट प्रॉब्ली जो है इसके अंदर ब्लूटूथ जो है वो कनेक्ट होता था। नहीं भाई ने जो है भाई पीछे बैठे हुए तो भाई ने बता दिया कि इसके अंदर ब्लूटूथ जो है वो कनेक्ट नहीं होता था। नॉर्मल सीडी एफएम और ये सब चीज चल सकता है, ऑक्स चल सकता है इसके अंदर। और पेन ड्राइव वो ब्लूटूथ आता है ना सही में। अच्छा वो लगा के मतलब जो जुगाड़ ऑक्स में लगा के होता है, ठीक है भाई। तो भाई ने ये चीज बता दी। एसी का अगर आप बात करोगे तो इसमें आप लोगों को एसी का पूरा मोड आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और भाई मेरे को बड़ा मतलब एक कहते हैं ना कि डिफरेंट लुक वाला थोड़ा चीज जो है वो फील यहाँ पर आती है। इसी के साथ में यहाँ पर जो है भाई ने सैनिटाइजर रखे हुए जो कि कोरोना के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन बहुत स्लाइडिंग जबरदस्त है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, ये आईवीटेक है, ठीक है भाई। यहाँ पर देख लो ये भी आप लोगों को स्पेसिंग मिलती थी। तो भाई देखा होगा आप लोगों ने जितनी भी प्रीमियम कार्स होती थी उनके अंदर ही आप लोगों को ऐसी स्लॉटिंग मिलती थी, इस गाड़ी के अंदर भी आप लोगों को प्रोवाइड। इसके अंदर भी भाई ने जो है अपने ग्लव्स रखे हुए। और क्या ये एडजस्टेबल है कि नहीं एक बार आप लोग देख लो, तो दिस इज फुली एडजस्टेबल, इसको आप लोग इजीली जो है एडजस्ट कर सकते हो। जहां तक आप बात करोगे इस गाड़ी में जो है भाई क्या क्या मोटे मोटे फीचर्स है, तो भाई अगर आप इस तरफ से देखोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली इधर वाली चीज कहां से है, ठीक है, आप लोगों का यहां पर जो है पूरा आप ट्रिप जो है वो सेट कर सकते हो। और इस गाड़ी के अंदर क्रूज मोड भी आता था, है भाई ऑटोमेटिक। अच्छा तो इसके अंदर ये जो दिया हुआ ये क्या फीचर है? ये वो डिस्प्ले का है कि आप ब्राइटनेस बढ़ानी है। अच्छा अच्छा, इससे ब्राइटनेस कम या ज्यादा होती है? ओके 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 ओके, देखो थोड़ा क्योंकि ना इसमें थोड़ा सा वो क्रूज मोड वाला चीज का बना हुआ था, तो अगर आप सामने लाइटिंग देखोगे मैं इसको दबा के रख रहा हूँ तो ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। और अगर कम करना चाहता हूँ तो मैं उससे कम हो जाएगी, आप लोगों की वो वाली जो ब्राइटनेस है वो पूरी से कंट्रोल हो जाती है। ये आप लोगों का लाइटिंग बीम जो है सेट कर सकते हो, यहाँ से आप लोग इंडिकेटर्स, यहाँ से आपके वाइपर्स, और जबरदस्त है भाई वाइपर देख लो भाई कितने जबरदस्त, ये बिल्कुल एल क्लासिको टाइप के आप लोगों के जो है ये वाइपर्स है, बहुत जबरदस्त भी है। और इसी के साथ में भाई गाड़ी को जो है भी ड्राइव जरूर करके देखेंगे, फिलहाल के लिए मैं केवल देख रहा हूँ कि गियर कितने स्मूथ है। वेरी स्मूथ यार, मैंने क्लच दबा रखा है हमेशा, जब भी ऐसे गियरों के साथ खेलो तो क्लच जरूर दबा के रखना, नहीं तो गियर की लाइफ होती है। ये भी बहुत इंप्रेसिव लग रहा है, चला के जरूर गाड़ी को देखा जाएगा। यहाँ पर जो है थोड़ा सा ग्लोब बॉक्स का एक ओवरलुक जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लाइटिंग के बारे में बात करते हो तो हेलोजन लाइटिंग आप लोगों को मिलती है, आप लोगों की वैनिटी जो है वो विदाउट लाइटिंग वाली है, लेकिन एकॉर्ड में जो है इसके बाद वैनिटी आई गेस लाइटिंग वाली स्टार्ट हो गई थी। इस तरफ भी अगर आप देखोगे तो बहुत जबरदस्त है। बेस्ट थिंग अबाउट इट जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, जो इसका फैब्रिक है, जो आपके रूफ टॉप का फैब्रिक है, दैट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, और 14 साल बाद भी ये बहुत अच्छा मेंटेन्ड है जैसा बोलते हैं होंडा के बारे में। और भाई मैं इस गाड़ी के किलोमीटर्स अगर देख पाऊँ तो करीबन 90,723 किलोमीटर जो है ये गाड़ी चली है, ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ को देख लिया है। और बाकी तो भाई कंफर्ट लेवल वाइज मेरे को काफ़ी ज़बरदस्त लगा ये। और हैंड ब्रेक जो है वो इस तरफ दिया गया, अगर आप देखोगे ये आपका हैंड ब्रेक लग गया, ये आपका हैंड ब्रेक उतर गया, बहुत ज़बरदस्त है भाई। जितने लोगों को इस बारे में पता है ज़रूर बताना भाई, जिनके पास ये गाड़ी ऑलरेडी है उनका मैं ज़रूर चाहूँगा इसके बारे में रिव्यू। और अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक 12 वोल्ट का सॉकेट का एक चार्जर लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ी स्पेसिंग भी आप लोगों को प्रोवाइड होती है, आपकी हैजार्ड लाइट है, आप लोगों का पूरा एसी का कंसोल, यहाँ से आप लोगों की म्यूजिक का जो कंसोल है वो पूरा कंट्रोल होता है। तो इट फील्स रियली गुड यार, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैं 14 साल पुरानी गाड़ी के अंदर बैठा हूं। ये आप लोगों का गाइस रियर व्यूइंग मिरर है जो कि आप लोग अभी देख पा रहे होंगे, तो इसमें आप लोग मैन्युअली जो है सब चीजें एडजस्ट कर सकते हो। सो ये तो बात हो गई गाड़ी के आगे के बारे में, अब मैं जा रहा हूं गाड़ी के पीछे की तरफ में। सबसे पहले ये देखो भाई ये लॉक कैसे खुलता है, बहुत जबरदस्त, ठीक है। पावर विंडोज भी सही से काम कर रही है, बाकी ड्राइव करूंगा तब आप लोगों को और अच्छी तरीके से बता पाऊंगा। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा जिस टाइम पे होंडा सिविक आई थी इट वाज अ परफेक्ट 4 सीटर कार, इस गाड़ी की जो सीट्स थी दैट वाज परफेक्ट इंक्लाइंड अगर आप देख पाओगे, और बैठने में बड़ा कंफर्ट आता था। मैंने सीट बिल्कुल पीछे करी हुई आगे वाली, लेकिन स्टिल इट्स मोर कंफर्टेबल, और ये बेसिकली जो है आगे वाले बंदे के पैर लगे उसके लिए होता था। तो आई गेस ये यहाँ से निकल रहा है, लेकिन ये फिक्स हो सकता है, इट्स नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा ऐसे भी ऊपर रख के करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। स्पेसिंग आप लोगों को मिलती है बीच का, आप लोगों का आर्मरेस्ट, ठीक है। तो भाई 14 साल पुरानी गाड़ी है तो आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, लेकिन स्टिल बहुत अच्छी मेंटेन्ड है। दीज आर योर रीडिंग लाइट्स जो कि पता नहीं भाई आज के ज़माने में तो बहुत कॉमन हो गई गाड़ी में, लेकिन उस टाइम पे कॉमन नहीं होती थी। इवन लोगों को पता भी नहीं होगा किस लिए होगी, लेकिन रीडिंग लाइट्स होती थी अगर आप न्यूज़पेपर या कुछ पढ़ रहे हो। और जो गाड़ी का ओवरलुक है भाई यहाँ से बहुत ऑसम है। और आई गेस कि मैंने आप लोगों को इतना तो जस्टिस कर दिया, अब बारी आती है गाड़ी के आप लोगों को स्पेसिंग के बारे में बात करने की, यानी कि आप लोगों को बूट स्पेस जो है वो गाड़ी में कितना मिल जाता है। उसके लिए मेरे को गाड़ी को बंद करना पड़ेगा, ठीक है, और हमने जाना है पीछे की तरफ में।
और यहाँ हमारी की लगी। और ये देखो आप स्पेसिंग जबरदस्त वाला, आप लोगों को बूट स्पेस मिलता था, भाई का सामान रखा हुआ है तो मैं ज्यादा इसको नहीं दिखा रहा हूँ। तो बाकी जो है इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं और इसके बारे में बातचीत करेंगे। ओके यूट्यूब, सो इट्स टाइम कि आप लोगों को इस गाड़ी को ड्राइव करके दिखाया जाए। इट्स माय प्लेजर कि मैं 14 साल पुरानी एक मेंटेन्ड बढ़िया जबरदस्त एक लग्जरियस गाड़ी को जो है ड्राइव करने का मौका मेरे को मिल रहा है। मैं थोड़ा सा मास्क नीचे कर रखा है, भाई मेरे साथ गाड़ी में पीछे बैठे हुए, लेकिन अगेन भाई को हम लोग नहीं ले रहे कैमरे में। और क्लच का रिस्पॉन्स वेरी ब्राइट, ब्रेकिंग का रिस्पॉन्स अगेन चलाने के बाद दिखा पाऊंगा, प्रेशर परफेक्ट है, एक्सेलेरेशन रियली गुड। और चलाया जाए फिर इस गाड़ी को और आप लोगों को रिस्पॉन्स देते हैं। सबसे पहली चीज़ तो भाई पिकअप के बारे में अगर बात करोगे, ज़बरदस्त रिस्पॉन्स, शीशे मैंने दोनों सेट कर लिए, मेरे मतलब सेट हो ही रखे, फील्स वेरी गुड। तो भाई आप कैमरे में तो नहीं आ सकते लेकिन बोल तो सकते हो पीछे से? बोल सकता, बोल सकते हो ना भाई। तो एक चीज और बताओ मेरे को कि जैसे 2006 की ये गाड़ी है, 14 साल इस गाड़ी को चलाते हुए आपको हो चुके हैं, फीलिंग कैसी है भाई जब रोड में अभी भी लेके निकलते हो, मतलब गाड़ी को ऐसा लगता है 14 साल पुरानी है? एक्चुअली लोग क्या, अब इसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है। ठीक है, अगर आप एक गाड़ी लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए। अगर नई होंडा सिटी या सिविक भी आप लोग प्लान कर रहे हो तो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आप 10-20 लाख रुपए खर्च कर रहे हो। ठीक है, और उसके बावजूद आप गाड़ी कम चला रहे हो, तो इसका अगर आप इसको मेंटेन करोगे तो इसकी अब भी वैल्यू उतनी ही है। अच्छा, बस मार्केट वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि होंडा की है, पर मुझे लगता है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म गाड़ी ले रहे हो कि आपको गाड़ी चेंज नहीं करनी है काफी टाइम तक, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो वोक्सवैगन या उसके अलावा। चलो भाई, ये भाई का सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है बिल्कुल, और मैं थोड़ा सा एक्सेलेरेट कर रहा हूँ, 32-33 की स्पीड मेंटेन्ड है। अभी हम लोग कुछ डिफरेंट वाली लेन में जो है मैं ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ा रोड में निकलने के लिए लेफ्ट जाना होगा ना? राइट जाना है। तो भाई ब्रेकिंग बहुत परफेक्ट हो रही है, एक्सेलेरेशन बहुत परफेक्ट हो रहा है और 90,000 चल चुकी है गाड़ी, आईवीटेक जो है ये गाड़ी है और बड़ी जबरदस्त मतलब रिस्पॉन्स वाइज चल रहा है। दोनों डिस्क ब्रेक है इसके अंदर बिल्कुल भाई ने जैसा आप लोगों को बताया, इट फील्स रियली गुड भाई। और मेरे को पेट्रोल गाड़ी पर्सनली चलाने में मजा आता है भाई, ऑल्दो मेरे पास डीजल गाड़ियाँ दो है, दो पेट्रोल गाड़ी है, लेकिन स्टिल इट फील्स रियली गुड। और गाड़ी बड़ी मतलब अलाइनमेंट वाइज बात करोगे या फिर जो एक इंजन नॉइज बात करोगे तो परफेक्ट है। अभी तेल है ना गाड़ी के अंदर एमटी का? कोई दिक्कत नहीं है। और एसी भी बड़ा परफेक्ट चल रहा है, कुछ एसी का काम हम कराया भाई? करवाया था अभी। अच्छा, एसी का काम करवाया था, क्योंकि एसी तो हर एक ऐसी चीज है जो करवाना ही पड़ेगा। एसी बिल्कुल परफेक्ट है ना, पर काम करवाने के बाद। कैमरा तो नहीं है ना इस वाले में, चलेगा ना कैमरा? पीछे तो पीछे है, अब नहीं है। अब नहीं है ना, तो मैं थोड़ा सा एक्सेलेरेट कर रहा हूँ, 37 की स्पीड डिसेंट जितनी हम लोग दिल्ली में चला सकते हैं, इधर ऑलमोस्ट 53 स्विचिंग टू फोर्थ गियर, वेरी स्मूथ मतलब फील आ रही है। और एवरेज के बारे में क्या है भाई इसका? ये एवरेज अगर लंबी चलाओगी तो 1500 और वैसे अगर सिटी में 12-13 ही बुरी नहीं है यार। बिल्कुल, सो ऑलमोस्ट टचिंग 70-80 भी टच कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्विचिंग टू फिफ्थ गियर वेरी स्मूथ अप्लाइंग, जैसा मैं ब्रेक्स आप लोगों को बोलता हूँ, मैं बहुत लाइट ब्रेक्स हमेशा यूज करना आप लोगों को भी बोलता हूँ, और उसी के साथ में टाइम टू टाइम गियर शिफ्ट भी करो जब आप ब्रेकिंग कर रहे हो, और परफेक्ट होता है। और भाई मजा आ रहा है लिटरली गाड़ी में चलाने में। तो भाई एक चीज बताओ, सबसे दूर आप इस गाड़ी को कहाँ तक लेके गए हो? ये गाड़ी मतलब मैं तो छोटा था उस पे, पर मेरे अंकल जो हैं वो काफी वहाँ तक लेके गए हैं, बॉर्डर से उनकी शूटिंग हुई थी ना। अच्छा, लोंगे वाला जो कहते हैं, लोंगे वाला तक गई है? तक गई है। तो ग्राउंड क्लियरेंस की कोई दिक्कत नहीं उस टाइम? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, रोड हाईवे था तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई इसमें जो मतलब एक व्यू पॉइंट है जो कि आप लोग अगर मेरे से पूछोगे तो इसका व्यू पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लियर है। मतलब अगर आप लोग इसके पूरा अगर फ्रंट के उससे भी देखोगे ना तो इसकी जो विंडस्क्रीन है बहुत क्लियर व्यू आता है, और आगे का मैं बिल्कुल दूर दूर तक जो है वो ईजिली देख सकता हूँ। और लाइट हो चुकी है, थोड़ा सा कोशिश करेंगे इस वाली रोड में एक्सेलेरेट कर सके। ठीक है, हल्की फुल्की एक्सेलेरेशन करके देख रहे हैं, देयर यू गो, स्विचिंग टू सेकेंड गियर, थर्ड गियर। शॉकर्स के बारे में क्या रिस्पॉन्स है भाई? अभी तक तो ठीक चल रहा है। ठीक चल रहे हैं, ठीक ही चल रहा है। ठीक है, 65-71 नाइस भाई, गाड़ी में बातचीत तो है, मजा आ रहा है चलाने में, मतलब फील आ रही है भाई गाड़ी में ना। अभी रिसेंटली मैं इसको एक बार कोरोना से पहले मूर्छा की तरफ ले गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कोई प्रॉब्लम नहीं आई, नहीं यार सही है। अगर आप गाड़ी की सर्विस टाइम टू टाइम कराते रहो तो गाड़ी में दिक्कत नहीं आती। सो गाइस, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, मेरे को पर्सनली ऐसा मन कर रहा है कि भाई मैं चलाऊं गाड़ी को। देख लो भाई, आप कटिंग भी बहुत प्यार से हो रही है, ऑल्दो मेरे को इतनी लंबी गाड़ी चलाने की आदत है नहीं, लेकिन स्टिल खुली रोड है तो मजा आ रहा है गाड़ी को एक्सेलेरेट करने में।
70-80 तो बहुत मतलब इजीली ये गाड़ी जो है पहुंच जा रही है। और भाई ने जैसा बताया इस गाड़ी की टॉप स्पीड कितनी है, 175 जो आपने ट्राई करके देखा, 175 ठीक है, 175 तक पहुंची हुई है। फील्स रियली गुड भाई, मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में ना। अच्छा मेरे को छठे गियर की आता, मैं छठे गियर की तरफ भागता हूँ। 90 वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। सो यहाँ से हम लोग लेंगे लेफ्ट एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स दी पोचनपुर वाला रोड। में आपको अपना रिव्यू दे रहा हूँ, पर्सनल एक रिव्यू कि भाई इस गाड़ी के बारे में अगर आप मेरे से एक वर्ड में पूछोगे कि भाई गाड़ी क्या है, तो भाई ऑसम है, बहुत मेंटेन है यार। आपने कहा आपने बीच में रैश भी चलाई है, लेकिन रैश लग नहीं रही है, चलाए अच्छा पैसे लगा दिए, क्या हुआ था, क्या काम आया था? एक्चुअली मैं तो यहाँ पे रहता नहीं था, मैं तो बाहर था। अच्छा घर वाले यूज कर रहे थे तो उन्होंने फिर होंडा में दिखाई थी। अच्छा मैंने एक मैकेनिक है वो अच्छी करता है, ठीक है, बीच में होंडा में थोड़े पैसे लगे थे। अच्छा बीच में लगे थोड़ा मतलब, लेकिन भाई जो भी थोड़े भी आपने पैसे लगाए थे उससे वर्थ है भाई, गाड़ी चल बहुत स्मूथ रही है। तो गाइस गाड़ी की फील एक नंबर की है, एंड जैसा मैं आप लोगों को बोलता हूँ भाई, हर गाड़ी को चलाते हैं नॉर्मल आदमी जो सोचता है गाड़ी के बारे में, कंफर्ट लेवल बिल्कुल बहुत जबरदस्त है। और सबसे अच्छा जो है वो मेरा भाई मतलब बोलते ना कि भाई अपने सर को जो है कंफर्ट कैसा मिल रहा है, तो मेरे को हेड कंफर्ट जो है बहुत अच्छा इस गाड़ी के अंदर लगा। एंड यू नेवर नो आने वाले टाइम पे क्या पता हम लोग ऐसी कोई गाड़ी लेके उसको मॉडिफाई करें, क्या कहते हो भाई, मॉडिफाई करना बनता है ऐसी गाड़ी को? बनता है ना भाई, तो भाई भाई ने भी बोल दिया, तो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी गाड़ी जो है उसको अच्छे से मॉडिफाई किया जाए।